हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देवरी। देवरी जो है वो जहांगीर के पास स्थित एक पिकनिक स्पॉट है जो कि हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले के चलते हैं देवरी। अभी सवेरे के 6 बजे हैं और हम राइड को अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से जाऊँगा रॉयल एनफील्ड के शोरूम, वहाँ हमारे राइडर भाइयों के साथ जो कि रॉयल एनफील्ड के राइडर्स हैं, लगभग 15 से 20 लोग रहेंगे वो सब। हम वहां से हम कंटिन्यू करेंगे आगे राइड को, और हमारे कुछ साथी जो कि KTM और पल्सर वाले हैं वो भी हमारे साथ राइड को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा बिलासपुर मस्तूरी और अकलतरा होते हुए। अकलतरा से हम जाएंगे जहांगीर, और जहांगीर से बिल्कुल पास ही है वो पिकनिक स्पॉट, लगभग 15 किलोमीटर दूर है जहांगीर से। तो चलिए, आपको ले कर चलते हैं देवरी। तो फ्रेंड्स, राइड को स्टार्ट हम कर चुके हैं और हम अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एकदम हम आतुर हैं। और हम राइड को जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग हम लोग 15 लोग हैं जो बिलासपुर से निकले हैं। सवेरे जो ज़ोरदार ठंड जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, और इस ठंडी को हमारी गाड़ियाँ चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और सवेरे का नज़ारा ये आप देख सकते हैं, सूर्य निकला हुआ है और काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बताएं। और ये पिकनिक स्पॉट के बारे में आपको बता दूं, बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट अभी हो चुका है। अभी कुछ ही लगभग साल भर के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस पिकनिक स्पॉट हो चुका है जहांगीर का। तो चलिए, उस जगह पर आपको ले कर चलते हैं। और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगह को कवर कर चुका हूं मैं, और आपको देखने को मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स के हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं देवरी। देवरी एक पर्यटन स्थल है जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। बिलासपुर से इसकी दूरी है दोस्तों 70 किलोमीटर। और हमारे काफ़ी सारे राइडर भाई आए हैं, ये आप पीछे देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं, लगभग हम लोग 20 से 25 लोग जो हैं अभी आज आए हैं, जिसमें रॉयल एनफील्ड के भी राइडर्स हैं और दूसरे बाइक के भी राइडर्स हैं। लगभग 20 से 25 लोग आए हैं। तो ये दोस्तों जो देवरी है, ये काफ़ी बढ़िया जगह है, पर्यटक स्थल है, और ये हसदेव नदी के किनारे पर स्थित है ये पर्यटक स्थल। और जो आप जैसे बिलासपुर से आप आएँगे, बिलासपुर से जहांगीर होते हुए जहांगीर सिटी के जस्ट पहले आपको एक लेफ़्ट टर्न लेना है, और वहां से आप किसी से भी पूछेंगे देवरी जाना है तो कोई भी जो है आपको बता देगा। तो दोस्तों, पूरा रिवर का एरिया है ये, काफ़ी बढ़िया एरिया है, और पत्थर वगैरह कुछ हैं बहुत सारे। तो चलिए चलते हैं वहां पे जाके देखते हैं, और वहां का भी एक व्यू आपको हम जो है दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नीचे और नीचे आपको दिखाते हैं कुछ इस जगह का शानदार नज़ारा। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर आपको जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे, और ये देख सकते हैं हसदेव नदी है। ये पूरा व्यू है आपका, एक शानदार नज़ारा के साथ। हम अभी चट्टानों के बीच में हैं और अभी चल रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एक पानी जो है आ रहा हुआ दिखेगा आपको, और चारों तरफ ट्रैकिंग जो टाइप का एक छोटा सा ट्रैकिंग हो गया यहाँ पे। ये देखिए पत्थर, एक अद्भुत पत्थर की जो डिज़ाइन है, कैसे अद्भुत कलर का है, और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वाह वाह, फिसलन भरी चट्टाने और ये साफ सुथरी रेत, नल रेती लग रही है, हसदेव नदी की रेत। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस जगह पर स्वच्छता बना के रखें, इस जगह को बिल्कुल भी ख़राब ना करें। आप पॉलीथीन वगैरह लेके आते हैं सब कुछ, उसको एक बैग में भर के ले जाइए, और एक जहाँ कचरा फेंकने की जगह वहाँ पे ला के जाके उसको डिस्पोज कर दीजिए। देखिए दोस्तों, क्या शानदार है नज़ारा। बरसात के समय पूरा लबालब पानी रहता होगा इस जगह पे, और ये देखिए पत्थर की डिज़ाइन है कितनी शानदार है, और पत्थर का कलर भी कुछ अलग प्रकार का है, और रेत आप देख के, ऐसी रेत तो
आपको सिर्फ मरुस्थल में ही नज़र आएगी, इतनी साफ रेत। और आप देख सकते हैं पत्थर, क्या शानदार डिज़ाइन यहाँ पे उकरी हुई है। पत्थरों के बीच में हम अभी जाते हुए, और हल्की सी ट्रैकिंग यहाँ पे हम कर चुके हैं। काफ़ी बढ़िया जो है महसूस होता हुआ हम सभी को। तो दोस्तों आ रहा है ना मज़ा। और ये देखिए हसदेव नदी का व्यू। और हम अभी चल रहे हैं जहाँ पे हमारे साथी लोग पहुँच चुके हैं। हम अभी चल रहे हैं उस जगह पे, और ये नदी के बीच एक छोटा सा टापू टाइप का है। तो दोस्तों एक छोटी सी विनती, आप जब भी जाएं जगह पे स्वच्छता को बना के रखें, स्वच्छता मेंटेन करके रखें। और यहाँ जो आप आए हैं और पिकनिक स्पॉट्स में, तो इस जगह के कचरा वगैरह ना फैलाएं। और ये टापू के बीच एक हिस्सा जो है हसदेव नदी का टापू के राइट हैंड साइड से जा रहा है, और दूसरा हिस्सा है टापू के उस पार। हम अभी उसी जगह पे चल रहे हैं, और एक शानदार अनुभव मैं महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपका भी इस जगह पे आने का मन कर रहा होगा। इसका लोकेशन मैं आपको टैग कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम अभी हैं देवरी में, और ये जो आप देख रहे हैं ये है हसदेव नदी। हसदेव नदी के पास हम अभी हैं। एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट जो है यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये है हसदेव नदी पर स्थित सनीकट। ये है शानदार इस जगह का नज़ारा। और ऊपर से चलिए आपको, ऊपर से भी एक व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। और किस प्रकार का व्यू जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और हम थे उस जगह पे, वो सामने जो आप देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का व्यू जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस जगह पे नहा भी सकते हैं, और अगर आपको तैरना आता है तभी इस जगह पे नहाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गहरा पानी भी है। कुछ जगह काफ़ी कम पानी है, लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पे 20-20 फीट गहराई है पानी की। तो अगर आपको तैरना आता है तभी आप इस जगह पे आप नहाएं। तो हम लोगों ने इस जगह पे दोस्तों दाल बाटी की का भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रबंध किया था, और हम लोगों ने दाल बाटी बनाया इस जगह पे। और ये आप देख सकते हैं दाल और बाटी का जो है हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, हमारे राइडर भाई लोग सब मिल के। और यहाँ फुल एंजॉय किए हैं फ्रेंड्स हम लोग। और ये हम आप देख सकते हैं दाल बन रही है, और आटा बेला जा रहा है बाटी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा। और ये अगर आप दोस्तों आएँ इस जगह पे तो आप फुल एंजॉय करें। यहाँ पे सामान ला सकते हैं, और यहाँ पे आपको पास में लकड़ी भी मिल जाएगी जलाने के लिए, और यहाँ पे आप पिकनिक भी मना सकते हैं। तो दोस्तों पिकनिक मनाने के लिए ये बेस्ट स्पॉट है, जो जांजगीर के पास एकदम निकट है। जांजगीर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बाटी बनाने के लिए हम कंडा जला रहे हैं, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं, और हमारे राइडर भाई लोग सब मिल के हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे का, और कुछ यहाँ पे बैठे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोगों ने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये जगह, या आपको जगह दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में राइडर रचित को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आज ही मैंने, आज संडे, और आज ही मैंने बिलासपुर के टॉप 5 पिकनिक स्पॉट जो बिलासपुर के नज़दीक हैं उसको अपलोड किया है, तो उस वीडियो को भी जो है आप देखना ना भूलें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमको यूट्यूब में राइडर रचित को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा फेसबुक पेज है राइडर रचित, उसको भी आप फॉलो करिए, और इंस्टा में हमको आप फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है राइडर रचित के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।